लाखों अभ्यर्थी प्रतिवर्ष जूनियर असिस्टेंट बनने का ख्वाब लिए यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। मुख्य कारण ये होता है कि वो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। रिटन एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में उन्हें जो है सफलता नहीं मिलती है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि आप समय से अपनी टाइपिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सबसे अधिक फोकस आपको करना होगा अपनी टाइपिंग स्किल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 नवंबर 2019 को 2019 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, और जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे उसकी परीक्षा होने वाली है रिटर्न वाली 3 नवंबर को। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं और जो लोग टाइपिंग टेस्ट पे क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल भी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट शुरू हो रहा है 1 नवंबर से और चलेगा 7 दिसंबर तक। तो जो अलग अलग शेड्यूल है इसकी पूरी जानकारी आपको uptriplesc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com पर भी अवेलेबल है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है यानी कि कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट के बारे में, हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से फॉन्ट आपको मिलते हैं, किस प्रकार आपको टाइपिंग करनी होती है, और टाइपिंग में आप सफल हो इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखना पड़ता है। छोटा सा वीडियो आपको एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको एक रिटन एग्जाम में शामिल होना होता है जो कि 65 अंक का होता है। उसके बाद 30 अंक ये मैक्सिमम होते हैं जो कि आपके एकेडमिक से लिए जाते हैं, 5 अंक आपको दिए जाते हैं आपके स्पोर्ट कोटे से, और ग्रैंड टोटल बनता है 100 मार्क, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है 100 मार्क पर। और यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको जो है टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए होता है, दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। हिंदी में आपको जो है 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी और अंग्रेजी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होती है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड, जो परीक्षा होती है वो 90 मिनट का एक क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है, जिसमें कुल मिला के 130 प्रश्न होते हैं, और इसके लिए मैक्सिमम मार्क होता है 65। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/4, यानी कि अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो 1 सही सवाल का अंक आपका कट जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको आप समझ चुके होंगे। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 खंडों में बटा हुआ रहता है, हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, और जीके, 3 खंड होते हैं यहाँ पर। तो हिंदी से कुल मिला के 60 प्रश्न यानी कि 30 अंक आपको हिंदी से मिलते हैं, 60 प्रश्नों को आपको हल करना होता है, यानी कि एक प्रश्न का जब आप सही जवाब देते हैं तो आपको जो है 1/2 मार्क आपको मिलता है। जनरल इंटेलिजेंस से 30 प्रश्नों को आपको हल करना होता है और इसके लिए 15 अंक निर्धारित है। जीके के 40 क्वेश्चन होते हैं और 20 प्रश्न यानी कि 20 अंक आपको इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल 130 प्रश्नों को आपको 90 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है और इसके लिए 65 मैक्सिमम मार्क निर्धारित किया गया है, यानी कि जो रिटर्न का एग्जाम होगा वो 65 अंक का होता है। 1.5 घंटे में परीक्षा आपको देनी होती है। अगर आपने हिंदी और जीके को क्वालिफाई कर लिया अच्छे अंकों से तो आपको टाइपिंग टेस्ट देने का मौका जरूर मिलता है। टाइपिंग टेस्ट के लिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना भी अनिवार्य होता है। हिंदी में कुल मिला के 25 वर्ड पर मिनट आपको वहां पर टाइप करना होगा और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको करनी होती है। हिंदी के लिए भी आपको 5 मिनट ही मिलते हैं और अंग्रेजी के लिए भी आपको 5 मिनट ही मिलते हैं, यानी कि 5-5 मिनट की टाइपिंग आपको करनी होगी टाइपिंग के दौरान, और जो स्लॉट आपको टाइपिंग के लिए अलॉट होगा इसकी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड में दे दी जाती है। आपको केंद्र पर समय से पहुंच जाना होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर किया जाता है, इसलिए अपने मूल दस्तावेजों को साथ लेकर जरूर जाएं, साथ ही साथ 1-2 फोटो भी आप लेकर जाएं, अपना एडमिट कार्ड तो आप लेकर जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका स्लॉट आपको वहां पर, जैसे जितने सिस्टम होंगे वहां पर अलग अलग जो पीसीज होती हैं
तो कितने लोगों को एक बैच में भेजा जाएगा अंदर, ये बात वहां का स्टाफ डिसाइड करता है। मैक्सिमम 50 लोगों को एक स्लॉट में भेजा जाता है और आपके लिए वहां पर अलग अलग सिस्टम बने रहते हैं, अलग अलग कीबोर्ड होते हैं। मतलब कि एक वहां पर सिस्टम होगा, कीबोर्ड होगा, आपको अपने मनपसंद सिस्टम चुनने के लिए कहा जाता है, आप चुन लें और सिस्टम पर अपने आप बैठ जाएं। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर डालना होगा और जब आपसे कहा जाए तब आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे और फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो आपके सामने स्क्रीन होगा उसमें ही आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर टाइपिंग के लिए जो मैटर होगा वो प्रिंटेड आपको मिलेगा और नीचे आपको टाइपिंग करनी होती है। इस प्रकार से 5 मिनट का समय आपको सबसे पहले मिलता है किसके लिए, इंग्लिश के लिए। जब इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे और तुरंत आपको आपका रिजल्ट भी वहां पर मिल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया, यानी कि आपको अब रिजल्ट का इंतजार लंबा नहीं करना होता है, तत्काल ही आपको पता चल जाता है कि आपने टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है या फिर नहीं किया है। 5 मिनट के अंतराल के बाद तुरंत उसी सिस्टम पर आपकी हिंदी की टाइपिंग भी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से। स्क्रीन पर ऊपर की तरफ आपको रिटेन में लिखा हुआ आएगा और नीचे आपको टाइपिंग करनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो पैसेज होते हैं ये मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो जो मेन कीवर्ड है टाइपिंग में सफल होने के लिए वो ये होता है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कंसंट्रेशन आप बनाए रखें और वही वर्ड आप टाइप करें जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा कुछ और टाइप आपने कुछ और कर दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घबराहट के दौरान अभ्यर्थी जो होते हैं वो गलत चीजें, मतलब मिला जुला के जो समय आपको दिया जाता है, जो पैसेज आपको दिया जाता है वो आपकी क्षमता के अंदर होता है अगर आप अपने आप को कॉम डाउन रख सकें तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के जो पैसेज आपको मिलेंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि बहुत ही आसान और बहुत ही कठिन नहीं, मध्यम स्तर के। मेन की है सक्सेस के लिए कंसंट्रेशन, आप अपने आप पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, अपने घबराहट को आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। बैक स्पेस का यूज आप कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल की का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जो है मान लीजिए बोल्ड लेटर में कुछ लिखना है तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे शिफ्ट बटन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी हो गई और आपको ये भी बता दें कि हिंदी फॉन्ट में कौन कौन से फॉन्ट आपको वहां पर अलाउ रहेंगे। तो कुर्तिदेव का कोई भी फॉन्ट हो या फिर मंगल फॉन्ट कोई भी हो, आप वहां पर जाएंगे, आपके पास जो स्टाफ आएगा वो आपसे पूछेगा कि हिंदी के लिए आपने किस फॉन्ट पर टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस की हुई है। और जैसे ही आप बताते हैं कि हमें मंगल पर टाइपिंग करनी है या कुर्तिदेव पर करनी है, रेमिंगटन या इंस्क्रिप्ट किस पे भी करनी है, जो चीज आप उनको बताएंगे बिल्कुल वही फॉन्ट वहां पर आपके लिए सेट कर दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स मैं जो है मंगल पर टाइपिंग करता हूं और मुझे मंगल काफी आसान लगता है, कुर्तिदेव के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। मंगल की सेटिंग जो होती है वो आपके सिस्टम यानी कि लैपटॉप या आपका जो पीसी होता है उसके अंदर ही होती है। किस प्रकार से इसको सेट करते हैं अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी में किस प्रकार से मंगल फॉन्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको 5-5 मिनट का ही समय आपको वहां पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और तुरंत ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई किया या नहीं किया, अंग्रेजी की टाइपिंग क्वालिफाई किया या नहीं किया, हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाई किया या नहीं किया। और उसके बाद तुरंत ही आपको अंदाजा लग जाता है कि फाइनल मेरिट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं अब आपको बता देता हूं कि UP SSC की वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017 की एक परीक्षा जो थी उसको 1 नवंबर और 2 नवंबर को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। 26 एग्जाम 2016 एडवर्टीजमेंट नंबर है ये, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगी 13 से 21 नवंबर। एडवर्टीजमेंट नंबर 27 एग्जाम 2016 के लिए ये टाइपिंग टेस्ट होगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर या फिर studyvidyanprakash.com पर। तो यहाँ पर आप विजिट करके जान सकते हैं कि आपकी टाइपिंग कब है। एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए हैं, एडमिट कार्ड पर आपको सब पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, कब आपको जो है टाइपिंग टेस्ट देने जाना है। अगर आपने अभी तक टाइपिंग टेस्ट शुरू नहीं किए तो आप टाइपिंग टेस्ट को शुरू कर लीजिए और प्रतिदिन अधिक से अधिक समय, जितना समय आप दे सकते हैं उतना समय आप जरूर दें, क्योंकि ये जो समय आप यहाँ पर देंगे वो आपकी सफलता के लिए रामबाण साबित होगा।
तो फ्रेंड जितने भी लोग इस परीक्षा में सफल हुए हैं, टाइपिंग टेस्ट के जा रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आप लोगों को जो है शुभकामनाएं। और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ये प्ले स्टोर पर मौजूद है और इस ऐप पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर सिंपली आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस जानकारी की बहुत सारे लोगों को आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।